नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर हूं और आप सबको मैं न्यूज क्लिक में स्वागत कर रहा हूं। आज का चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था और आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकार बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हर रोज अखबारों में, टेलीविजन में, सड़क के ऊपर होर्डिंग है कि कितना बेहतर हो गया कि उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था। क्या सच है इसमें, क्या झूठ है, क्या अर्ध सत्य है, इस विषय के ऊपर आज मैं आमंत्रण करना चाहता हूं अध्यापक संतोष मेहरोत्रा जी। संतोष मेहरोत्रा जी एक समय भारत सरकार में भी काम किया और ये जो मानव विकास के ऊपर वो विशेषज्ञ है। संतोष जी धन्यवाद आपका समय, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। आपका दो लेख में पढ़ रहा था वायर में, कुछ दिन पहले आए हैं। तो ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे, योगी सरकार कह रहे कि 4 साल में उत्तर प्रदेश में राज्य का जो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति का आय दोगुना हो गया, सरकार का आंकड़ा क्या कहते हैं, ये सच है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। असलियत तो ये है कि पिछली सरकार जो 2012 से 17 तक थी समाजवादी पार्टी की, उसमें वृद्धि दर जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की, लगभग 7% थी औसतन सालाना 5 साल। वो वृद्धि दर गिर करके 2.2% से भी कम हो गई, कहां 7% और कहां 2 से भी कम, जिसका अर्थ ये है कि प्रति व्यक्ति आय तो 0.5% ही, केवल 0.43% पर एनम पे आकर के टिकी है। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत जिसे कहते हैं आंकड़े हैं, तो बिल्कुल विश्वास करने काबिल नहीं। विकास दर के बारे में इतना कहा जा सकता है। संतोष जी, भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति का जो आय है वो पूरा भारतवर्ष का आधा के आसपास है, लगभग पूरा भारतवर्ष में 86,659 और उत्तर प्रदेश में 41,023, ये भारत सरकार का आंकड़ा कह रहे हैं। और अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, प्रति व्यक्ति का आय, तो 2011 और 2012 का जो मूल्य है उस समय भारतवर्ष में 36 राज्य है और यूनियन टेरिटरीज है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 36 में 32। फिर भी कुछ दिन पहले नीति आयोग का आंकड़ा आया और लोग जब बोला कि अरे केरला सबसे आगे है अलग अलग जो मानव विकास का जो सूचकांक है और उत्तर प्रदेश एकदम नीचे है, तो हमारे अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग का जो सीईओ है बोला नहीं, आपने ठीक समझ रहे नहीं, जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश का जो मानव विकास हो रहा है ये आप नहीं समझ रहे, इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। जी देखिए, जहां तक मानव विकास का सवाल है, ये तो उत्तरी हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं वहां कहीं बदतर है दक्षिण और पश्चिम के राज्यों के मुकाबले, ये तो सब जानते हैं। और उत्तर प्रदेश हमेशा से ही पिछलग्गू रहा है, पिछड़ा रहा है। और दिक्कत की बात यह है कि जो हाल के आंकड़े हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथा सर्वे जो हुआ 2016 में, जैसे ही मोदी सरकार आई थी और उसके बाद फिर योगी सरकार आई, और अभी का जो 2020-21 का जो आंकड़ा है वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताता है। तो मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूँ कि जैसे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो कितने नाटे हैं, स्टंटिंग कितनी है, नाटापन की जो दर है वो 5 साल पहले 46% थी, जो कम तो जरूर हुई है मगर अभी भी 40%, यानी कि
वो भारत देश के जो स्टंटिंग की रेट है उससे 5 दशमलव ज्यादा, 5% ज्यादा। आप सोचिए कि देश की 35 है और हमारे हमारे उत्तर प्रदेश की 40 है। उसी तरीके से अगर आप दुबलेपन का, बच्चों का दुबलापन का एक आंकड़ा होता है एक मिनट आपको वेस्टिंग, रोक रहा हूं, ये जो स्टंटिंग की बात कर रहे हैं आप, इसका एक कारण होगा कि कुपोषण, यानी कि उत्तर प्रदेश में। जाहिर अच्छा है मैं उस पे आ रहा हूँ, बिल्कुल बोलिए। परंजो, मैं 1 मिनट 1 सेकंड में आ रहा हूँ मैं उस पे। तो क्योंकि आपने पूछा तो मैं पहले कुपोषण की बात बता दूं, अंडरवेट वाली बात। तो अंडरवेट का जो शेयर था बच्चे 5 साल की उम्र के बच्चों का, वो था 40, और वो बेहतर जरूर हुआ है वो, मगर वो अभी भी 32 है, यानी कि वो देश के औसत के करीब लगभग बराबर है। और जो दुबलापन है, वेस्टिंग, वो एक वेस्टिंग उनको, उन बच्चों को उत्पन्न होती है जो, जिनको खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा है। तो उसका उसका आंकड़ा देखिए, उसमें कोई अंतर आया ही नहीं। 18% था 5 साल पहले, और 2020 में वो 17.3%। यानी कि जो मोटे तौर से मानव विकास के सूचकांक हैं, उन सब सूचकांकों में भी आप पाते हैं कि कोई खास सुधार नहीं हुआ हैगा। तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है, खासतौर से जैसे आपने सही शुरू में हमारे श्रोताओं को बताया कि वैसे ही ये बहुत गरीब प्रदेश है, वैसे ही यहाँ गरीबी बहुत है, वैसे ही यहाँ कुपोषण पहले बहुत था, भारत के मुकाबले ज्यादा था। तो उसमें सुधार ज्यादा ना होना योगी सरकार के की दौरान, ये तो चिंताजनक बात है ना। मगर आप जैसे कह रहे हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सरकारी आंकड़ा, आप खुद भारत अब जाहिर सरकार ने है, काम किया, ये पूरा बिल्कुल सरकारी आंकड़ा ये कह रहे हैं। देखिए आप जैसे कहा जी कि जो GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है, जी ये 2007 और 2021 के बीच 2% भी नहीं बढ़ा। हाँ जी बिल्कुल और इससे पहले जब अखिलेश का सरकार था, अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का सरकार था, तो ये 2012 और 2017 के बीच ये लगभग 6.9 यानी कि 7 के नजदीक पहुंच गए थे। बिल्कुल बिल्कुल फिर भी यही सरकार बड़े बड़े बात कर रहे हैं, हर रोज अखबार का पहला पन्ना में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, ये मोदी जी का तस्वीर है, योगी जी का तस्वीर है। आप कहीं सड़क में, आप दिल्ली जाइए, आपको उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, वही कह आप रहा हूं, राष्ट्रीय राजधानी में देखिए बड़े बड़े छाए पड़े हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, उसमें सब देखे कि एक तरह अच्छे दिन आ गया है और उत्तर प्रदेश का विकास ऐसा हो रहा है कि कभी नहीं हुआ। तो आप बिल्कुल गजब, लोगों का ऐसे गुमराह करने के लिए क्यों ऐसे सरकारी पैसा, आपका पैसा, मेरा पैसा, टैक्स पेयर जो करदाता बिल्कुल का पैसा खर्च हो रहा है। नहीं, बहुत चिंताजनक स्थिति है। पिछले 5 साल में स्थिति इतनी खराब, तो आप विश्वास नहीं होगा, मैं आपको कुछ और आंकड़े बताने जा रहा हूँ कि बेरोजगारी की दर के संग क्या हुआ। अब आप देखिए, बेरोजगारी की जो पूरे उत्तर प्रदेश की दर थी, वो 2012 में 4% थी, वो 2019 में बढ़ करके 19%, मतलब समझ लीजिए 5 गुना हो गई, 5 गुना हो गई। शहरी इलाकों में वो 10% थी, वो बढ़ करके दुगनी हो गई, 20% हो गई। ग्रामीण इलाकों में वो 2% थी, वो बढ़ करके 19% हो गई। अब आप सोचिए कि जब बेरोजगारी की दर इस ये इतनी जबरदस्त होगी, तो आमदनी का क्या हाल होगा और गरीबी का क्या हाल होगा। मगर अब सिर्फ आप जैसे यही नहीं, हाँ, आपका लेख में मैं देख रहा हूं कि जी युवाओं के बीच बिल्कुल 5 गुना, अगर 12 2012 से आप आज तुलना करेंगे जी तो लगभग 5 गुना बढ़ गया। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो मैं कुछ आंकड़े और आपको बताता हूं कि या यदि हमारे हमारे बच्चा 10वीं पास है, सेकेंडरी पास है, तो उसकी बेरोजगारी दर पहले 3% थी, वो बढ़ के 12%, यानी चौगुनी। अगर वो 12वीं पास था,
तो वो पहले थी 2012 में 6%, वो चौगुनी होकर के 24% हो। अगर वो स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है तो उसकी बेरोजगारी दर 21% थी 2012 में, वो बढ़कर के 51%। 51 का मतलब यह कि आधे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, जो स्नातक हैं, वो बेरोजगार हैं। और इससे और बदतर स्थिति उनकी जो जो टेक्निकल डिग्री लेते हैं यानी कि बीटेक कर लेते हैं या ऐसी ऐसी कुछ कर लेते हैं, उनकी बेरोजगारी दर केवल 13% थी 2012 में, वो बढ़कर के 66% हो गई। तो मतलब ये जब स्थिति होगी तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हताशा होगी युवाओं में, कितनी हताशा होगी। और इसका एक और आयाम मैं आपको बता दूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कि महिलाओं की स्थिति और इससे बदतर है। क्योंकि अब रुक जाइए। अब महिलाओं के विषय में ज्यादा विस्तार से आपको जो चार सवाल मैं आ रहा हूं आपके पास, आपका वो जो दूसरी लेख जो वायर में आया है, मैं उससे पहले मैं एक सवाल उठा रहा हूं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति और जात, इसका प्रभाव बहुत है। आपका लेख में आपने आंकड़ा दिया कि उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति है, 20% से भी ज्यादा है, और जो ओबीसी है यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो आधा से भी ज्यादा, 52%। और ब्राह्मण भी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लोगों का संख्या है 12%। इसका मतलब ये आपने जो भी ये आंकड़ा दिया है, आप तो ये जात के ऊपर जो जनगणना हुई थी वो तो 2031 साल में हुआ, तो एक तरह से उसका प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं। कुछ मगर प्रोजेक्शंस हैं, कुछ मैं एक्चुअली मेरे आंकड़े तो वो नेशनल सैंपल सर्वे से आते हैं। आप पूछिए, वैसे पूछिए। हाँ सवाल ये है, अगर आप उत्तर प्रदेश को अलग-अलग भाग में, तो कौन सा समाज के कौन से वर्ग के लोग ज्यादा अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी उसका आर्थिक स्थिति जैसा था वैसे ही है या उससे भी खराब हो गया? जी, उसके आंकड़े भी हैं, हम मैंने एकत्रित किए हैं और एस्टिमेट भी किए हैं। उससे ये तो साफ हो जाता है, बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की स्थिति अभी भी बहुत बदतर है। और ये याद रहे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की की भारी संख्या यानी कि 20%, जबकि देश में केवल 15% है। और जाहिर है कि जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उनकी अनुसूचित जाति से तो बेहतर है, मगर बहुत बेहतर नहीं है। जाहिर है कि जो सवर्ण जातियां हैं, ठाकुर, ब्राह्मण इत्यादि, उनकी उनकी आमदनी ज्यादा है। मगर दुखड़ा यह है कि अगर औसतन आय दर बढ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने अभी पहले कहा कि प्रति व्यक्ति आय 0.5% से भी कम बढ़ी है कि पिछले 4 सालों में, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ग विशेष के का स्तर है उसमें खास अंतर नहीं आया होगा। ठीक। एक चीज में आप एक सवाल में पहले आपसे पूछना चाहिए था मुझे, मैंने पूछा नहीं, इस बार मैं पूछता हूं। जब आपने बेरोजगारी का बात किया, ये है सरकारी नौकरी, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब्स उत्तर प्रदेश में, अभी जो आंकड़ा है कि लगभग 5 लाख लोगों का नौकरी अभी नहीं भरा हुआ, खाली है। जी। इसमें शिक्षक है, सरकारी सरकारी शिक्षा संस्था में लगभग पूरा भारतवर्ष में 10 लाख से ऊपर है, उत्तर प्रदेश में आप 2 लाख से भी ज्यादा है। और जी एक तरह से हमें जो आंकड़ा, जो सरकारी आंकड़ा है, जी आपका पुलिस डिपार्टमेंट में, वहां पे भी हम जी देख रहे हैं 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। तो जी जी ये जब आपने ये भी कहा कि एक अखबार में, जब अमर उजाला में एक लंबा लिस्ट आए हैं, तो आप जानते हैं एक एक बार सरकार जब लाखों लोग आ जाते हैं, एक सरकार बोलते हैं हाँ भाई ये नौकरी खाली है, आइए आप दरखास्त कीजिए, लाखों लोग आते हैं। मतलब ये बेरोजगारी का तो एक बहुत बड़ा समस्या है, जिसके बारे में आपने कहा
सरकार क्यों नहीं कर रहा है? सरकार अपने जो 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 सैंक्शन जो जो तैयार है जो नौकरी दे सकते हैं शिक्षक और अलग अलग स्तर पे, ये क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल तो आपको असलियत में सरकार से ही पूछना चाहिए, क्योंकि इसका सही जवाब मिलता नहीं है। क्योंकि जब एक युवाओं की संस्था जो पिछले 3 साल से खासतौर से बहुत सक्रिय रहे हैं इस ऐसे मुद्दों को, सरकारी नौकरियों के मुद्दों को उठाते हुए, तो जब उन्होंने आरटीआई करी सरकार की कि मतलब कितने खाली हैं, तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो पूछा जाता है उसमें जवाब डिपार्टमेंट्स का, यूपी के डिपार्टमेंट्स का आया कि हमें मालूम नहीं है। मगर ये और ढंग से हमने ये आंकड़े निकाले थे तो दिक्कत ये है कि जब सरकार के ये बड़े बड़े विज्ञापन आजकल आ रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दिलाई, तो उसमें वो ये नहीं बताते कि सरकारी नौकरियां कितनी, और ये सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि होता ये है कि सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकल जाता है, इम्तहान हो जाता है छात्रों का, इम्तहान होकर के रिजल्ट भी निकाल देते हैं। अच्छा, फिर वो नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन होता है, जो लेटर होता है कि आपकी नियुक्ति हो गई, वो नहीं आता। अब आप सोचिए, तो वो नहीं आता यानी कि सरकार की नियत ये है कि वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर कुछ कुछ आखिर में कमी रह गई, तो इस वजह से हमने नियुक्तियां जाहिर नहीं करी। तो नियत ये लगती है, मतलब ये पुख्ता तौर से तो नहीं कहा जा सकता, मगर नियत ये लगती है कि कम से कम ये ढिंढोरा तो पिटता रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, मगर क्योंकि सरकार कंगाली के कगार पे खड़ी है, तो इस वजह से वो भरना नहीं चाहती, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब सरकार के पास अगर पैसा होगा तब तो वो भरेगी। मगर इस सब का अर्थ ये है और इसका असर ये होता है कि पूरे प्रदेश की गवर्नेंस पर असर होगा। अब आप सोचिए कि बच्चों के पास टीचर नहीं है, या दूसरा पुलिस में भयंकर कमी पुलिस कर्मचारियों की है। जैसे आपने कहा बीपीआरडी, ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जी वही पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारी का 4.15 लाख पोस्ट है, मगर अभी भी 1.11 लाख खाली पड़े हैं। हाँ, फिर भी आप कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। बिल्कुल नहीं, यही तो दिक्कत है, यही तो चिंताजनक बात है प्रंजय, कि आप स्वास्थ्य को ले लीजिए। अब स्वास्थ्य तो एक ऐसी सेवा है जिसमें आपने पाया कि पिछले 1.5 साल में कोविड में जो बद इंतजामी उत्तर प्रदेश में आपको मिली, जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चालू नहीं हालत में नहीं थे, और आज की तारीख में भी वैक्सीनेशंस नहीं लग पा रहे हैं उस रफ्तार से। संतोष जी, तो एक वक्त बस बताइए, 45,000 नियुक्तियां हो सकती हैं और स्थान खाली है, रिक्त है 45,000 डॉक्टर्स एंड नर्सेस के। संतोष जी, जब अखबार में आया, दैनिक भास्कर ने एक के बाद एक सुर्खियां लिख के दिया कैसे गंगा में लाश बह रहे हैं, इसके ऊपर सरकार नाराज हो गए थे। आप जानते हैं कुछ दिन बाद आयकर विभाग छापा लगा दिया दैनिक भास्कर का दफ्तर में। मेरा सवाल ये है कि आप कुछ देर पहले इस विषय के ऊपर कह रहे थे, मैं और बारीकी से बताइए। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस की जाके बोला कि हाँ, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को प्राथमिकता दे उत्तर प्रदेश का विकास के ऊपर। उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में एक भाषण दिया, और जब ये सवाल, वो अपने आप कहा कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणन, मतलब ये तो सब लोग को मालूम है, इसमें क्या कहना है? सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का महिला के ऊपर उन्होंने कह रहे हैं कि हाँ, उनका विकास हो रहा है, उनके सशक्तिकरण हो रहे, उन्नति हो रहे, मगर आप कह रहे हैं कि सरकार का आंकड़ा और कुछ कह रहे हैं।
जी बिल्कुल, जितना महिला को जो काम करना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो 16 और 64 साल का है, विपरीत हो गया, कम हो गया। जी जी बेरोजगारी के बारे में तो हम आपको बता ही चुके, और चिंताजनक बात यह है कि इस बेरोजगारी से बेचारे हताश होकर के लड़कियां और लड़के दोनों ही, वो ये हो रहा है कि वो काम ढूंढना बंद कर दिए। तो यह उसका ये उसका आंकड़ा ये निकल के आता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब वो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 और 29 साल के बीच में हैं जो काम ढूंढ रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उस ऐसे नापी जाती है। तो जो अब आप पाते ये हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और महिलाओं के लिए तो समझ लीजिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं उनमें से सब लगभग सबसे नीचे है, केवल 9% है। बिहार में 5% है, यूपी में सिर्फ थोड़ा सा उससे ऊपर है, 9% है। तो लोग, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है तो लोग काम ढूंढना कम कर दिए हैं। तो हुआ यह है कि महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो और बढ़ गई है और तेज है। मतलब युवाओं में, लड़कों की तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर ऊंची है ही है, मगर पिछले कुछ सालों में तो ये बेरोजगारी दर महिलाओं के लिए बढ़ गई। और ये चिंताजनक इसलिए है परंजय भाई कि हमारे देश के और हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के लड़के और लड़कियां सब पढ़े लिखे जा रहे हैं, बड़ी तेजी से सारे स्कूल जाते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, माध्यमिक शिक्षा, मगर जैसे जैसे वो पढ़ करके निकल रहे हैं उनको नौकरी कतई मिल नहीं रही है। तो वो बहुत हताश हो रहे हैं। एक तो स्थिति वो है, और दूसरी परिवार में स्थिति ये है कि महिलाएं जो कृषि में थी, वो कृषि छोड़ करके, वो क्योंकि कृषि में मैकेनाइजेशन हो रहा है, बहुत से चीजें ऐसी जो ऐसे काम जो महिलाएं कृषि में करती थी उनमें मैकेनाइजेशन हो गया, वो मशीन फॉलन आउट ऑफ द लेबर फोर्स। तो मतलब व्यक्ति काम कर रहे थे वो अभी मशीन काम कर रहे, बिल्कुल सही। तो कुछ जो वयस्क महिलाएं हैं उनके पास काम नहीं है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं उनके पास भी और काम नहीं है। तो स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती चली जा रही है। संतोष जी, अभी हमारे पास वक्त कम है, मेरा आखिरी सवाल, और एक तरह से हम, आप अर्थशास्त्री हैं, मैं अर्थशास्त्र से ये साथ साथ मैं राजनीति जोड़ना चाहता हूँ। अभी चुनाव आने वाले हैं, बहुत कुछ हो रहे, हिंदू मुस्लिम हो रहे, मंदिर मस्जिद हो रहे, बहुत कुछ हो रहे, मगर ये सारे जो आर्थिक मुद्दा है, जो अर्थव्यवस्था के ऊपर आपने जो कहा, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, ये जो जितने सारे आंकड़े हैं हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश एकदम पीछे है जी, इसका क्या असर चुनाव में पड़ने का क्या संभावना है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, संभावना ये है कि आम आदमी वैसे ही काफी त्रस्त था, और कोविड की महामारी और महंगाई की जो मार उसके ऊपर से आई, इन दोनों की वजह से हुआ यह है कि लोगों का खर्च बढ़ा, क्योंकि महामारी में जेब से पैसा खर्च करना पड़ा। अगर अर्थव्यवस्था ऐसी है कि आपकी वैसी आमदनी कम हो रही, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की वजह से आपकी आमदनी कम हो, उसके ऊपर से अगर बीमारी आ जाती है परिवार में, और स्वास्थ्य सेवाएं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चल नहीं रही, काम नहीं कर रही, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल कंगाली के कगार पे खड़े हो जाते हैं। तो इसका सीधा राजनीतिक असर होने की संभावना है, इसी से डरी हुई है दो डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी और योगी जी की जी, इन्हीं वजहों से ये जितने धर्म अधर्म के संसद हो रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा, और पाकिस्तान मुसलमान, अफगानिस्तान तालिबान,
वो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये बहुत ही देश के लिए चिंताजनक और यूपी के लिए घातक साबित हो रहा है और ये आम आदमी समझ रहा है। ऐसा संभव नहीं कि आम आदमी समझेगा, अभी समय बताएंगे संतोष जी, अभी भी कुछ महीना बाकी है विधानसभा चुनाव के लिए, समय बताएंगे कि सचमुच उत्तर प्रदेश का आम जनता, उत्तर प्रदेश का आम महिला किस तरह से किसको वोट देंगे, विकास के लिए वोट देंगे या जो ये सारे जो मुद्दा है, जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान भारत के मुद्दा उठा रहे, ये सिर्फ समय बताएंगे। आपका समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, इसके लिए मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था के ऊपर अध्यापक संतोष मेहरोत्रा जी से। आप देखते रहिए न्यूज क्लिक, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सबके साथ आप जरूर ये वितरण कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।